वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के बाद एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, आईजी रेंज राजेश डिमोदक ने एस्ट्रोटर्फ फील्ड के पास निर्माणाधीन दर्शक दीर्घा के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य की समयानुसार गुणवत्ता पूर्वक पूरा कराया जाए। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार और डीआईजी राजेश डिमोदक ने एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी खेलकर उसकी गुणवत्ता की जांच की और जल्द ही हॉकी मैच कराने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीना, सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य आरपी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज जाम हो गया है सर, उसका कानपुर में गेम कराते रहिए। नहीं सर, हमारे पास करीब 60-70 लड़कियाँ अतिथि ऑलरेडी हैं, आवासीय छात्रावास है सर। अब आप रहती है वो रहती हैं, खेलती है कोविड के नाते सर। इसमें ना, हाँ उसमें सर कोविड के नाते सर बंद है। जैसे ये खुल जाएगा तो हमारे पास कम से कम सर 200 का स्ट्रेंथ है। यहाँ पे बालक बालिकाओं का 4 किलो पुरस्कार हाँ 2 बार। उसके बाद फिर राज्य या नेशनल लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल तक हुआ सर। 2-3 हो गए, 2-3 हो गए सर। इंडियन हॉकी फेडरेशन के, हाँ हाँ फेडरेशन, हॉकी इंडिया फेडरेशन के माध्यम, हॉकी इंडिया के माध्यम लड़ाई की वजह से जनता सफर करती है। आप लोग बात कर रहे हैं पढ़े लिखे आदमी और लैंडलॉर्ड, तो ये अब लगे हैं गुणवत्ता जांच की कमेटी। मैंने सर डीएम साहब के स्थान में शासन के द्वारा निर्देश पर डीएम साहब ने नामित कर दिया है और उससे लेकर के मैं हर महीने इनका निरीक्षण कर रहा हूँ। व्यवस्था हो गई तो आपको ये कहा गया था कि आप आगे हमसे बात कर लीजिए जवाब साहब। अच्छा है, और एक बात था दोस्तों, बिजली नहीं मिल रहा है, उसका रोड नहीं मिल रहा है, अगर कोई नहीं करेगा तो जमीन हम पैदा करेंगे, तहसीलदार नहीं करेंगे, हम उसका कंपनसेट करेंगे, कंपनसेट कर लेंगे, वो कोई वैकल्पिक जगह मिल जाएगी तो काम करेंगे। सब ये एयरफोर्स का जो वो है ना, आपको तो बता था, देखो आपने बात की क्या वो एयरफोर्स?